हेलो, मैं इंजीनियर डीपी यादव अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन सब से संबंधित जितने भी प्रश्न रहे, वैद्युत चालन से जितने संबंधित प्रश्न रहे और अच्छे अच्छे कंपटीशन में पूछे गए प्रश्न, वो सब आपको हल कराए गए। आप लोगों से अपील है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं वो सब लास्ट में ही आते हैं, क्योंकि पहले सभी फार्मूले, सूत्र, उनकी बीमा, उनके मात्रक, ये सब चीज़ें चैप्टर में बताई जाती हैं और लास्ट में उस पर जो है प्रैक्टिस कराई जाती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और उसके बाद ही आप शेयर व लाइक करें, धन्यवाद। तो आज हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सरल परिपथ, एलिमेंट्री सर्किट। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे सरल परिपथ। एलिमेंट्री सर्किट में हम लोग प्रतिरोधों को जोड़ना सीरीज में, पैरेलल में, ये सब देखेंगे। फिर कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा अथवा तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, क्योंकि जब हम लोग कोई परिपथ बनाते हैं बेटा, तो उस परिपथ में एक स्रोत होता है जो कि सप्लाई आपको प्रदान करेगा, वोल्टेज लगाएगा, और कोई इक्विपमेंट या लोड उसमें डालते हैं, वो आपका रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो वो रेजिस्टेंस हम लोग डालेंगे, वो लोड हो जाएगा और उसे वायर से जब कनेक्ट कर देंगे स्रोत से, और बीच में कोई की वगैरह लगा देंगे, तो वो हमारा जो है सर्किट कहलाता है अथवा परिपथ कहलाता है। तो उसी सर्किट के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है आज पढ़ेंगे प्रतिरोधों को संयोजित करना या प्रतिरोधों को जोड़ना। प्रतिरोधों का संयोजन, हम लोग प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ेंगे, दो प्रकार से मूलतः संयोजित करते हैं। फर्स्ट है बेटा श्रेणी क्रम, जिसे आप कहेंगे सीरीज, कॉम्बिनेशन, और दूसरा है समांतर संयोजन। समांतर संयोजन जिसे कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा आपका आ जाएगा मिक्स्ड संयोजन या मिश्रित। तो हम लोग मिश्रित जब
सीरीज, कुछ रेजिस्टेंस एक ही परिपथ में सीरीज में भी हो और समांतर में भी हो, और तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित संयोजन या मिक्स्ड। मूलता दो ही। अब हम लोग श्रेणी क्रम पढ़ेंगे, तो पहला लेते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। जब हम लोग एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं तो ऐसे संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। ध्यान से सुन लें और लिख लें। जब पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा सिरा कामा बेटा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। और इसी प्रकार आगे भी संयोजित करते जाएं तो उसे श्रेणी संयोजन कहते हैं। जैसे बेटा आप अगर इसका चित्र देखना चाहें और विशेषताएं, तो इसकी पहली विशेषता देखें, इसकी विशेषताएं लिख लें। इस संयोजन की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो वो विशेषताएं आप एक एक करके देखें। पहली विशेषता लिख लें, पहली विशेषता कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक ही बहती है दूसरा बेटा इसमें सप्लाई वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है या का विभाजन होता है।
का विभाजन होता है या हो जाता है, तीसरा बेटा हम लोग पॉइंट अगर आगे चलें तो इसमें कहेंगे कि वोल्टेज वी वन अनुपाते वी टू अनुपाते वी थ्री इज इक्वल टू होता है आर वन अनुपाते आर टू अनुपाते आर थ्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये सब नोट करते जाइए। अगली इसकी विशेषता है पावर पी वन अनुपाते पी टू अनुपाते पी थ्री बराबर भी है आर वन अनुपाते आर टू अनुपाते आर थ्री। अगली विशेषता यह है बेटा कि जब परिपथ का कुल प्रतिरोध अथवा तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तब श्रेणी में संयोजित करते हैं। अगली पॉइंट बेटा हम लोग और एक लिखना चाहें तो लिख लें, इस संयोजन में जो प्रतिरोध ज्यादा होता है उसी का वोल्टेज भी व पावर पी अधिक होता है। ये सब बेटा इस परिपथ की विशेषताएं हैं। अभी हम इस पर और ज़्यादा आपको समझाएंगे बताएंगे, आगे हम लोग चलते हैं। इसी पॉइंट और लिखेंगे श्रेणी संयोजन में कि अगर अगली पॉइंट लिखना चाहें बेटा तो हम लोग लिखेंगे इसमें तुल्य या परिणामी तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर का मान, तो लिखेंगे आर बराबर होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, मान लीजिए एन है तो आर एन हो जाएगा आर एन तक। यदि कुल एन प्रतिरोध हैं बेटा तो हो जाएगा आर एन तक। तो ये सारी बातें ये इस श्रेणी क्रम का यानी सीरीज सीक्वेंस का या सीरीज कॉम्बिनेशन का ये सारी विशेषताएं हैं। इन पर अब हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले यही देख लेते हैं, यही फार्मूला है जिस पर कि आपको अगर तुल्य प्रतिरोध पूछेगा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है तो आप फार्मूला लगाएंगे कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, देखिए यहाँ लिखा है तुल्य प्रतिरोध अथवा कुल प्रतिरोध कैपिटल आर है तो कैपिटल आर बराबर होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस, ऐसे
एक R1 ओम का प्रतिरोध है, एक R2 ओम का, एक R3 ओम का, सब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल प्रतिरोध का मान हो जाएगा ऐसे जुड़ जाएगा। और फल स्वरूप क्या हो जाएगा कि तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से श्रेणी का हम लोग तब प्रयोग करते हैं जब कुल प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है। अब हम लोग देखें इसका एक यही फार्मूला कहाँ से आएगा, तो इस फार्मूले को ही देख लें। तुल्य प्रतिरोध के लिए एक फार्मूला ये जो आया है कैसे आया इसको देख लें। एक हम लोग सर्किट बनाते हैं श्रेणी क्रम में, ये प्रतिरोध है बेटा ऐसे, फिर एक प्रतिरोध ये आपका ऐसे, फिर एक प्रतिरोध आपका ऐसे है, और ये श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ से वी वोल्ट की आपने सप्लाई दे दिया, ये वी वोल्ट की आपने ये सप्लाई हो गई ऐसे। इधर से धारा मान लीजिए कि आई जा रही है, तो पूरे में धारा सब में आई एम्पियर की ही बहेगी। यहाँ का प्रतिरोध मान लिया बेटा R1 है, यहाँ का प्रतिरोध यहाँ ऊपर लिख देते हैं, ये R1 ओम है, ये R2 ओम है, ये R3 ओम है बेटा, और यहाँ का वोल्टेज, अब ये सब अपना वोल्टेज अलग अलग कर लेंगे। यहाँ का वोल्टेज मान लिया V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, और यहाँ का वोल्टेज V3 है, ऐसे देख लें ध्यान से। अभी आपने पहली पॉइंट लिखा कि इसमें सप्लाई वोल्टेज का विभाजन हो जाता है, तो अगर आप यहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये प्रतिरोध अपने हिसाब से ये वोल्टेज लेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेगा, V1 का मान ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसमें से थोड़ा ये R2 ओम वाला भी प्रतिरोध लेगा, ऐसे R3 ओम वाला लेगा। और इसी सीक्वेंस में हम लोग जो सजावटी कार्यों में झालर वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो सभी झालर जो है इसी, हमारा जो उसके बल्ब होते हैं सब इसी क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि धारा सब में एक ही बहती है। लिखा इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक ही बहती है, तो सब में धारा बेटा आई एम्पियर की जो यहाँ से चल रही है वही पूरे में बहेगी, और लेकिन वोल्टेज का बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ से आपने वी वोल्ट दिया तो ये पाएगा मान लिया V1, चूंकि प्रतिरोध R1 है बेटा इसलिए वोल्टेज का नाम भी रख दिया गया V1, ताकि हम ये जान जाएं कि R1 प्रतिरोध पर वोल्टेज V1 मिल रहा है, और R2 पर वोल्टेज V2 मिल रहा है, और R3 वाला प्रतिरोध जो है वो V3 वोल्ट ले रहा है। तो इस तरह से यही है आपका श्रेणी क्रम, यही आपको लिखाया गया है कि इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा देखिए यहाँ जुड़ गया है, फिर दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा बेटा ये वाला दूसरा सिरा, तथा तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा ये जुड़ गया। जब इस क्रम में ऐसे हम जोड़ते जाते हैं कि एक का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा, ऐसे आगे भी जोड़ते चले जाएंगे, तो इसी संयोजन को श्रेणी संयोजन या इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो अब बेटा यहाँ से आप देख रहे हैं जितना इन लोगों ने, तीनों लोगों ने मिलकर वोल्टेज लिया है, वह वोल्टेज जो है दिए गए वोल्टेज भी के बराबर होगा, क्योंकि जितना आप दे रहे हैं उतने इन तीनों का मान होगा। अतः आप लिख सकते हैं यहाँ से ध्यान से देखें, अतः आप लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज कैपिटल V बराबर आप लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, और आगे भी होता है बेटा तो प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप लिखेंगे। अब ओम का नियम आप लोग जानते हैं बेटा कि ओम का नियम कहता है V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR। मैं लिख दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए,
ओम के नियम, ओम के नियम से, नियम से बेटा वी बराबर आई आर एक फार्मूला। वैसे ये ओम का कंप्लीट नियम केवल ओम का यही है, वी समान अनुपाते आए। ओम ने ये नहीं कहा कि वी बराबर आई आर होता है। ओम का नियम आप जब भी पढ़ेंगे बेटा तो खाली इतने कहा गया है कि परिपथ में बहने वाली धारा आई उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर वी के समान अनुपाती होती है। यानी ओम साहब ने इतने कहा वी समान अनुपाते आई। बाद में हम लोगों ने समान अनुपाते का चिन्ह हटाकर और उसमें एक स्थिरांक उसके प्रतिरोध से गुणा कर दिया तो ये बन गया वी बराबर आई आर। और ये जो है वी बराबर आई आर है, ये जो फार्मूला है ये ओमी अन ओमी सब पर लागू हो जाएगा। चलिए एक तरह से आप देखें तो ये अर्धचालकों पर, जबकि अर्धचालक हमारा जो है अनओमी है, यानी भी समान अनुपाते आई नहीं होगा, लेकिन भी बराबर आई आर जब उसके रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। चलिए तो ओम के नियम से बेटा हम लोग आगे इसमें चलते हैं, भी बराबर आई आर। तो यहां पर कुल वोल्टेज भी बराबर कुल आई गुड़े कुल आर। यदि मान लिया जाए बेटा कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो है वह आर ओम है, कुल प्रतिरोध आर ओम है, आर वन आर टू आर थ्री मिलाकर आर ओम है, तो कुल वोल्टेज भी बराबर कुल धारा गुड़े कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज बराबर कुल धारा गुड़े कुल प्रतिरोध। तो इस वी के जगह पर हम लिख सकते हैं कुल वोल्टेज बराबर कुल धारा आई और गुड़े कुल प्रतिरोध आर। ये हो गए बेटा कुल धारा, ये कुल धारा जा रही है या संपूर्ण धारा बेटा, और ये है आपका कुल प्रतिरोध। इसे माना गया है कि माना एक कुल प्रतिरोध R1 R2 का मिलाकर R ओम होता है। तो इस तरह से हो गया कुल वोल्टेज बराबर इतना। और ऐसे ही तब V1 बराबर क्या होगा बेटा, चूंकि धारा I सब में एक ही बह रही है इसलिए V1 बराबर ओम के नियम के ही फार्मूले से तब लिखेंगे V1 बराबर I गुड़े R1, क्योंकि धारा I सब में बह रही है। तो यहाँ पर V1 के जगह पर आ जाएगा आई गुड़े आर वन, ऐसे ही V2 के जगह पर आ जाएगा आई, इसमें भी बहेगी आई गुड़े आर टू, तो लिखेंगे बेटा आई गुड़े आर टू, और प्लस ऐसे यहाँ पर लिखेंगे आई गुड़े आर थ्री। अब बेटा आई सब ओर है तो इसलिए आई कामन ले लेंगे, तो अगली लाइन में लिखेंगे आई आर बराबर आई कामन ले लिया, कोष्ट में हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, कोष्ट बन, ऐसे प्लस डॉट 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 कर लीजिएगा। अब देखेंगे आई दोनों पक्षों में आई से गुणा है, चाहे आई को इधर ले आएंगे तो आई से भाग हो जाएगा, तो ये आई से आई कट जाएगा या आई से डायरेक्ट काट दीजिए। तो कुल प्रतिरोध आर बराबर हो गया आर वन धन आर टू धन आर थ्री धन डॉट डॉट डॉट। यही बेटा हम लोगों का फार्मूला है, यही आपको विशेषताओं में लिखाया गया, यही फार्मूला यहाँ पर लिखाया गया। उसका अब आपने डेरिवेशन भी देख लिया कि कैसे जो है ये फार्मूला आया। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक पॉइंट आपने लिखा है वी वन अनुपाते वी टू अनुपाते वी थ्री बराबर आर वन अनुपाते आर टू अनुपाते आर थ्री है। अब हम लोग इसको भी बेटा देखते हैं तो इसको मिटा देते हैं या ऐसे ही यहाँ पर देख लेते हैं। अभी आपने पढ़ा ओम के नियम के अनुसार से बेटा वी बराबर आई आर, चूँकि आपने कहा कि आई सबकी एक ही है, जो आर वन में बहेगी वहीं आर टू से बहेगी वहीं आर थ्री से, ऐसे होते हुए पूरे में आई ही धारा बहेगी, इसलिए आई से अब कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हो गया वी समान अनुपाते आर। अब बेटा यानी भी समान अनुपाते, यहाँ से देखिए आर आ गया, चूंकि आई इसमें भी बहेगी वहीं आई इसमें बहेगी,
तो अब आई चूंकि सबकी समान है, इसलिए आप यूं कहेंगे कि जिसका आर अधिक होगा उसी का वोल्टेज अधिक होगा। तो ये आपको लिखाया गया कि इस संयोजन में जो प्रतिरोध ज्यादा होता है उसी का वोल्टेज व पावर अधिक होता है। तो इस तरह से बेटा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी का वोल्टेज अधिक होगा। इस तरह से आपको एक फार्मूला दे दिया गया, अतः V1 समान V1 अनुपाते V2 अनुपाते V3 बराबर होगा R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3। क्लियर हो गया? अगर बेटा R1 का मान ज्यादा होगा तो V1 का भी मान सबसे ज्यादा होगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वही वोल्टेज ज्यादा लेगा। ऐसे ही बेटा पावर पी बराबर वी आई होता है, उसको भी देख लें, पावर पी बराबर वी आई अथवा आई स्क्वायर आर अथवा आई स्क्वायर आर ऐसे होता है। तो अब आप देखेंगे बेटा कि अगर यहां से ही देख लें पावर पी बराबर आई स्क्वायर आर, तो चूंकि आई सबकी एक ही है तो उस सबके लिए आई का वर्ग समान होगा, इसलिए इसको अगर हटा दें तो आप कहेंगे पी समान अनुपाते आर, ये आर आ गया। तो इस तरह से बेटा श्रेणी संयोजन में वोल्टेज और पावर दोनों प्रतिरोध के समान अनुपाती है। अब ये न कहिएगा कि जिसका प्रतिरोध अधिक होगा साहब वो जो है कम चमकेगा। अब ऐसे देख लीजिए, यहां पर श्रेणी संयोजन में ठीक उसका उल्टा है बेटा। अब जिसका प्रतिरोध अधिक होगा उसी की पावर अधिक होगी और वही बल्ब अधिक चमकेगा श्रेणी संयोजन में। इस बात को ध्यान से सुन लें, समझ लें, और उसी का वोल्टेज भी अधिक होगा। तो ये पॉइंट लिखाई गई है कि जो प्रतिरोध ज्यादा होता है उसी का वोल्टेज, V का मतलब वोल्टेज और P का मतलब पावर यानी शक्ति ज्यादा होगी, और जब शक्ति ज्यादा होगी बेटा तो वही बल्ब जो है ज्यादा चमकेगा। यानी अगर श्रेणी क्रम में 100 वाट और 60 वाट और 40 वाट के बल्ब लगाए जाए तो उसमें 100 वाट का प्रतिरोध जो है सबसे कम होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है 60 वाट का प्रतिरोध होगा और 40 वाट का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। और चूंकि उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा 40 वाट वाले का, इसलिए 40 वाट वाले की पावर भी श्रेणी क्रम में सबसे अधिक होगी, वहीं ज्यादा चमकेगा, वहीं ज्यादा वोल्टेज भी लेगा, वहीं सबसे ज्यादा, क्योंकि V1 अनुपाते V2 यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी का वोल्टेज ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसी की पावर अधिक होगी बेटा। ये श्रेणी संयोजन की विशेषताएं हैं। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी आगे करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा समांतर संयोजन, चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। समांतर में बेटा ऐसे जोड़ देते हैं, समांतर संयोजन में बेटा
जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दें, जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ और दूसरा सिरा एक साथ जोड़ दें, तो उसे हम लोग समांतर संयोजन कहते हैं। तो पहली पॉइंट आप लिखना चाहें तो लिख लें, जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ, पहला सिरा एक साथ व दूसरे सिरे एक साथ जोड़ दिए जाएं, तो उसे समांतर संयोजन कहते हैं। आपके कंपटीशन में इनसे क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देख लें। समांतर संयोजन कहते हैं। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वोल्टेज सभी प्रतिरोधों पर समान होता है और वह सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, अगली पॉइंट बेटा, इसमें धारा का विभाजन हो जाता है, अगली पॉइंट बेटा, इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान कोष्ट में कैपिटल आर का मान, एक बटे कैपिटल आर बराबर एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री प्लस डॉट 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 सूत्र से ज्ञात करते हैं। अगली पॉइंट बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में
जोड़े गए सभी प्रतिरोधों में जो प्रतिरोध सबसे कम होता है, जो प्रतिरोध सबसे कम होता है परिणामी प्रतिरोध का मान उससे भी कम हो जाता है। बहुत ध्यान दें, अगर बेटा हम लोग 100 ओम, 50 ओम और 10 ओम तथा 1.1 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, 100 ओम, 50 ओम, 10 ओम और 1.1 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो परिणामी प्रतिरोध अथवा तुल्य प्रतिरोध का मान 0.1 ओम से भी कम हो जाएगा। अतः अगली पॉइंट लिख लें, अतः यदि परिपथ का कुल प्रतिरोध कम करना हो तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बेटा। अगली पॉइंट लिख लें, इसमें बेटा हमारा धारा का बंटवारा होगा, तो लिखेंगे I1 अनुपाते I2 अनुपाते I3 बराबर होगा 1/R1 अनुपाते 1/R2 अनुपाते 1/R3। इस टाइप से होगा बेटा, आगे भी चले जाएगा, इसे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, ऐसे ही पावर के विषय में लिख लें, P1 अनुपाते P2 अनुपाते P3 इज इक्वल टू होगा 1/R1 अनुपाते 1/R2 अनुपाते 1/R3। ये सारी बातें होंगे मेन, अब एक एक करके देख लें। समांतर क्रम किसे कहेंगे बेटा, तो आपने लिखा जब सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक साथ, ऐसे। दूसरा आपने लिखा कि इसमें वोल्टेज सभी प्रतिरोधों पर समान होता है और वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज वी वोल्ट है, तो वी वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, वी वोल्ट यहाँ भी मिलेगा और वी वोल्ट यहाँ भी मिलेगा, सब जगह वोल्टेज समान होता है। हम लोगों के घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही की जाती है, इसीलिए आपको हर बल्ब पर, हर पंखे पर, हर इक्विपमेंट पर, चाहे वो टीवी है, चाहे आपका टुल्लू है, कुछ भी है, सब पर समान वोल्टेज, जो आपके घर में अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो प्रत्येक इक्विपमेंट को 220 वोल्ट मिलता है। तो घरों में वायरिंग जो होती है इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन अथवा समांतर संयोजन में की जाती है। अगली पॉइंट आप देखें बेटा कि इसमें धारा का विभाजन हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी। आप जाहिर सी बात जानते हैं कि जो जितना ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा उसमें धारा का बहाव उतना ही कम होगा। तो इस तरह से आप देखें कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा का बहाव कम होगा, ऐसा नहीं कि प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा भी ज़्यादा। तो इस तरह से बेटा ये विलोमानुपाती है, यदि प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम होगी, तो जिसका रेजिस्टेंस बेटा ज़्यादा होगा
उसकी धारा कम होगी। इस तरह से धारा और रेजिस्टेंस में विलोम का संबंध है, इसलिए लिखा गया आई वन अनुपाते आई टू अनुपाते आई थ्री बराबर वन अपान आर वन अनुपाते, ये विलोमानुपाती हो गया। अगर आर टू का मान सबसे अधिक होगा तो उससे जुड़ी हुई धारा आई टू का मान सबसे कम होगा, विलोम में ये ज्यादा तो ये कम। ऐसे ही पावर की भी बात हो रही है बेटा, तो आप देखेंगे जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी पावर भी कम होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे 100 वाट वाले का रेजिस्टेंस जो है वो 484 ओम है, आप लोगों ने निकाला था पिछले उसमें देखा था, और 60 वाट वाले का मान लीजिए ये आपका जो है 100 वाट है, ये 60 वाट का प्रतिरोध है और ये 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध है, तो चूंकि बेटा 40 वाट वाले का प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है उससे कम 60 वाट वाले का है, और ये 100 वाट का अगर मानते हैं तो इसका प्रतिरोध सबसे कम है, अतः इसी की धारा सब इसी की पावर सबसे अधिक होगी और इसी की धारा भी सबसे अधिक होगी। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा ये विलोम में है, बटे में है, और ये चीज़ें इधर अंश में हैं, तो अगर आर थ्री कम है बेटा तो आर थ्री जब कम होगा तो उसी में बहने वाली धारा आई थ्री भी सबसे अधिक होगी और उसी की पावर भी अधिक होगी, अर्थात समांतर क्रम में यदि तीनों बल्बों को जोड़े जाएं तो अब आप देखेंगे कि 100 वाट वाला बल्ब सबसे तेज चमकेगा और फिर उससे कम थोड़ा 60 वाट वाला चमकेगा और 40 वाट वाला सबसे कम प्रकाश देगा, क्योंकि उसकी पावर सबसे कम है। अब हम लोग इस पर ये वाला फार्मूला देख लेते हैं कि 1 अपान आर बराबर 1 बटे आर वन प्लस ऐसे कैसे आया, तो वहाँ से अगर हम लोग चलें बेटा इसको मिटा देते हैं, तो वहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो देखेंगे यहाँ से बेटा चूंकि वोल्टेज सब जगह समान है और धारा का बंटवारा हो रहा है तो सप्लाई धारा आई जा रही है, कैपिटल आई बराबर हम लोग लिखेंगे आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ऐसे बेटा लिख लेंगे, क्योंकि देख लें आई धारा गई यहाँ तक और फिर कुछ धारा इस रास्ते से जाएगी, कुछ धारा सीधी चली जाएगी और कुछ ऐसे नीचे होकर जाएगी, उनका मान अलग अलग बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरह से तीनों धाराओं का योग कुल सप्लाई धारा के बराबर हो जाएगी, ये कुल धारा है। इस तरह से बेटा हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि वी बराबर आई आर होता है, इसलिए आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर, तो कुल धारा I के जगह पर हम लिख सकते हैं कुल वोल्टेज V बटे कुल प्रतिरोध R। मान लिया कि इस का कुल प्रतिरोध, इतने का कुल प्रतिरोध बेटा कैपिटल R ओम है, ये कुल प्रतिरोध है, और ये जो है बेटा कुल धारा है, ये कुल धारा I है, और ये कुल वोल्टेज V है, दिया गया कुल वोल्टेज V है, तो हो जाएगा कुल धारा I बराबर कुल वोल्टेज बटे कुल प्रतिरोध। ऐसे ही तब आई वन बराबर हो जाएगा, आई वन पर बेटा देखिए ना वोल्टेज भी ही है और प्रतिरोध उसका आर वन है, तो ऐसे लिखेंगे वी बटे आर वन प्लस वी बटे आर टू प्लस वी बटे आर थ्री। यहाँ से बेटा ये फार्मूला आई बराबर वी बटे आर से ऐसे है फार्मूला, तो चूंकि सब जगह वोल्टेज बराबर ही है इसलिए वोल्टेज का मान सब जगह वी 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 ही रहेगा, और बटे में पहले वाले का प्रतिरोध आर वन दूसरे वाले का आर टू, ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ से बेटा देखेंगे तो हम लोग जो है वी कॉमन ले लेंगे दोनों पक्षों से, तो लिखेंगे वी बटे आर, या ऐसे लिख लेंगे वी यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री बेटा, और ऐसे बेटा प्लस आगे भी ऐसे ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ से दोनों पक्षों में भी से गुणा अगर कैंसिल कर दें तो यही हो जाएगा एक बटे आर बराबर, ये कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, यहाँ वन हो गया, तो एक बटे आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री।
प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बेटा ये हमारा फार्मूला बन गया। अब आगे बेटा बहुत हिट फार्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब तक ये फार्मूला और ये फार्मूला आप अपने संज्ञान में नहीं रखेंगे तब तक न्यूमेरिकल हल करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, न्यूमेरिकल नहीं हल कर पाएंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बना देता है कि एक सेल लगा देगा और बोलेगा कितनी धारा किस प्रतिरोध में जाएगी, कितनी धारा, या पूछ लेगा कि इसमें R3 में कितने एम्पियर की धारा बहेगी, इस टाइप से कुछ पूछ लेता क्वेश्चन। अथवा वोल्टेज ड्रॉप कितना करेगा, V का मान कितना होगा, अथवा उसकी पावर कितनी होगी। तो ये सब सारी बातें जब हम लोग जानते रहेंगे बेटा तब जो है उसके पावर को हम ज्ञात कर पाएंगे, उसमें बहने वाली धारा को ज्ञात कर पाएंगे। और ये जानते हुए कि ये श्रेणी में है कि समांतर में, समांतर में है तो विलोम में है और श्रेणी में सीधे है। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग जो है इस पर आगे देखें। अभी आपने पढ़ा कि 1/r बराबर 1/r1 ऐसे हमारा फार्मूला, प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 आ रहा। अतः यहाँ पर बेटा हमारा रेजिस्टेंस विलोम में है तो धारा जो है बेटा रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होती है। हमें मालूम है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें धारा कम बहेगी। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ये विलोम है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसकी धारा कम, जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी धारा भी अधिक होगी। इसी तरह से बेटा पावर में भी संबंध है। अब हम लोग थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग अब इस पर न्यूमेरिकल करते हैं। आपके सामने कुछ चित्र बने हुए हैं, ऐसे ही कंपटीशन में भी आपका छोटा छोटा सर्किट बना देता है और तुल्य प्रतिरोध पूछता है, कभी सेल से संयोजित कर देगा और पूछेगा कि इसमें कितने एम्पियर की धारा बहेगी या क्या होगा। तो ऐसे जब हमारा कॉम्बिनेशन मिलता है बेटा तो इसमें देखिए ना कुछ प्रतिरोध, जैसे ये प्रतिरोध आपस देखिए ना समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और फिर ये इसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस टाइप का भी ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। तो सब में एक क्वेश्चन है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। तुल्य का मतलब परिणामी, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे बेटा पहला क्वेश्चन है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन समांतर क्रम है? तो आप ए सिरे से इसमें धारा डाल देंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन समांतर क्रम में है और कौन कौन श्रेणी क्रम में है। तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में धारा का विभाजन होता है। तो जब यहाँ से धारा आई बेटा, सपोज कर लीजिए चल रही है, तो कुछ धारा इधर आ जाएगी, कुछ धारा यहाँ चलने के बाद इधर चली जाएगी और कुछ धारा इधर चली जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि ये वाला प्रतिरोध, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध तीनों समांतर क्रम में है, देखिए, क्योंकि धारा का विभाजन हो रहा है। और फिर सारी धारा ये इधर से होते हुए ऐसे, ये इधर से होते हुए ऐसे और ये इधर से होते हुए ऐसे होते हुए सब इसी रास्ते से जाएंगी, यानी बी की ओर जाएंगी, यानी 2.5 ओम वाले में जाएंगी। अतः अब सब धारा एक ही ओर बह रही है तो इतने का ये इतना प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध हो गया श्रेणी क्रम। समझ में आ गया? क्योंकि अभी आप पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम में सब में धारा एक ही बहती है, केवल वोल्टेज का विभाजन होता है। तो धारा जहां बेटा एक ही बहेगी, आप देख लेंगे ऐसे चित्र को तो समझ जाएंगे कि ये श्रेणी संयोजन है या श्रेणी में जुड़ा हुआ है। और जब बेटा धारा का विभाजन होगा जिन जिन प्रतिरोधों में, उन्हें आप समझ जाएंगे कि ये प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में हैं। तो हमारा धारा का बंटवारा इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है।
तो ये तीनों किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। तो पहले इन्हीं तीनों को जोड़ लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे समांतर क्रम वाला फार्मूला, 1/r बराबर 1/6 धन 1/6 धन 1/3। इनमें जोड़ ले बेटा। तो ये इसे भी 6 बनाने के लिए बेटा, अगर नीचे 2 से गुणा कर दें, इसे भी 6 बनाने के लिए नीचे भी 2 से गुणा करें और ऊपर भी 2 से गुणा करें, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2/6। तो अगली लाइन में ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/6 धन 1/6 धन 2/6। अब सबके हर बराबर हो गए, इसलिए ऊपर की संख्या जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4/6। अब हमें r का मान ज्ञात करना है बेटा, तो इसे पलट देंगे, r ऊपर ले जाएंगे तो ये भी संख्या पलट जाएगी, तो हो जाएगा 6/4। काट देंगे बेटा तो बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी बराबर हो गया 1.5 ओम। 3/2 का मतलब 1.5 ओम। और फिर बेटा ये टोटल हो गया 1.5 ओम, और 1.5 ओम इस 2.5 ओम के साथ श्रेणी में जुड़ा है। ये सब तो समांतर में रहे इतने आपके। और फिर जो है, अब आप कहेंगे कि ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में R बराबर R1 + R2 + R3 होता है। तो ऐसे हम लोग जोड़ लेंगे बेटा, तो बराबर हो गया, इसका मान 1.5 ओम आया है, और प्लस बेटा इसका मान 2.5 ओम है, तो बराबर हो गया बेटा 4 ओम। यही आंसर आ गया, परिणामी प्रतिरोध का मान आ गया 4 ओम इस क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये आपका बेटा, ये सिरा ए है, यहाँ पर ए सिरा ए है बेटा, और ये सिरा आपका बी है। तो करा ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ऐसे बना हुआ। अब आप ध्यान से देखें, ए बी के बीच लगे हुए प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर रहा है। तो हम ए से यदि धारा बहाम कि ए से धारा बी की ओर जा रही है, तो ए से जो धारा चलेगी बेटा, आई चलेगी, ए से जो आई चलेगी वो देखिए 3 भागों में बढ़ जाएगी, कुछ ऊपर जाएगी, कुछ इस रास्ते से जाएगी और कुछ इस रास्ते से जाएगी। ध्यान से देख लें तो क्या हुआ, धारा का विभाजन हो रहा है, अतः ये कौन सा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम में धारा का विभाजन होता है, तो कुछ धारा इस रास्ते से जाएगी, कुछ धारा इस रास्ते से जाएगी और फिर इस रास्ते से लौटेगी। तो चूंकि एक ही धारा इसमें जाएगी, इसलिए 4 और 2 ये 6 ओम हो गया, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। श्रेणी क्रम में बेटा धारा एक ही बहती है, तो जो धारा इस रास्ते से जाएगी वहीं इस रास्ते से होकर जाएगी, अतः 2 ओम और 4 ओम हो गए श्रेणी क्रम में। तो कुल प्रतिरोध इनका हो गया 6 ओम, इनका और इनका मान मिलाकर हो गया 6 ओम, और फिर ये 6 ओम देखिए आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ तक का हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे बेटा, तो ये हो गया 6 ओम, और इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो लिखेंगे 1/r बराबर 1/6 धन 1/6 बराबर 2/6 बराबर हम लोग लिखेंगे बेटा, हर बराबर है इसलिए हो जाएगा 2/6, भिन्न पलट देंगे तो हो जाएगा r बराबर 6/2 बराबर 3 ओम। तो इतने का मान बेटा, इतने का मान आ गया 3 ओम। अब जो धारा इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, वो इसी रास्ते से लौटेगी, अतः ये 3 ओम का प्रतिरोध अब श्रेणी क्रम हो गया। इतने का प्रतिरोध बेटा, इतना कुल प्रतिरोध मिलकर 3 ओम हो गया, और ये इसके साथ 7 ओम वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा, चूंकि अब धारा एक ही बहेगी। हम लोगों ने पढ़ा कि श्रेणी क्रम में धारा एक ही बहती है, इसलिए 3 ओम और 7 ओम मिलकर हो गया 10 ओम।
तो लिखेंगे पुनः आर बराबर हो जाएगा ये वाला 3 ओम बेटा, 3 और प्लस 7 बराबर 10 ओम, ये हो गया। अब ये 10 ओम यहाँ तक का टोटल प्रतिरोध हो गया 10 ओम, ये 10 ओम बेटा और नीचे वाला 10 ओम आपस में समांतर क्रम में है, तो आता हो गया समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/10 धन 1/10 बराबर 2/10। हमें बेटा आर का मान ज्ञात करना, आर को पलटेंगे ऊपर ले जाएंगे तो इधर वाला भिन्न भी पलट जाएगा, 10/2 बराबर 5 ओम, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दें 2 ओम धारा का इधर गया तो जो धारा इस रास्ते से जाएगी वही 4 ओम से होकर जाएगी, 4 और 2 6 ओम हो गया क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, ये 6 ओम और कुछ धारा इस रास्ते से जाएगी अतः ये वाला 6 ओम समांतर क्रम में हो गया, तो समांतर क्रम में इस 6 ओम को इस 6 ओम को इस फार्मूले से जोड़ दिया, 1/r बराबर 1/6 धन 1/6 बराबर 2/6, भिन्न को पलट दिया तो आर बराबर हो गया 6/2 बराबर 3 ओम, और फिर ये 3 ओम से ऐसे जो धारा चलेगी वहीं 7 ओम में घुसेगी, अतः 7 ओम और कुल ये प्रतिरोध इतना जो हम लोगों ने भी ज्ञात किया 3 ओम हो गया श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में सीधे R बराबर R1 धन R2 होता है, तो 3 और 7 10 ओम हो गया बेटा। अब ये 10 ओम और ये नीचे वाला 10 ओम आपस में समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम में ऐसे जोड़ गया। अब यहाँ पर आते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ये बिंदु यहाँ है बेटा, अगर हम लोग इसको पलट दें तो ये ऐसे हो जाएगा, इसको पलट दें तो ये इधर आ जाएगा और बी को पलट दें ऐसे बेटा तो इस वाले प्रतिरोध के इस पार आ जाएगा। देखें ध्यान से समझें, अगर ए को मैं इधर पलट दूं तो ये हमारा चित्र ऐसे बन जाएगा, देखें ध्यान से देखें, ए को हमने यहाँ पलट दिया, ये ए यहाँ आ गया बेटा, ऐसे हो गया, ए यहाँ आ गया, इसको हमने बाहर कर दिया। अब ए से ऊपर गया है ए को बेटा, तो ऐसे हम लोग भी जो है ऊपर ले जाते हैं बेटा और ए को हम ऐसे जो है कर देते हैं, ये हो गया हमारा ए को, देखिए ना ये हो गया ए को ए वाला, और फिर ए से ये नीचे ए को आया है तो इसे हम ऐसे जो है ए को बेटा बना सकते हैं, ये हो गया ए को। अब जो है इसे हम लोग पलट देंगे बेटा, तो यहाँ से आप देखें इसे अगर पलट देंगे तो ये वाला हमारा जो है 1 ओम ये वाला ऐसे बीच में आ जाएगा बेटा, ये ऐसे आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा ऐसे, और इधर से आ जाएगा ये ऐसे, और ये सिरा जो है बी वाला यहाँ आ जाएगा ये ऐसे। देखिए ध्यान से, जब इसे हम पलटेंगे बेटा ऐसे तो ये 1 ओम वाला यहाँ आ जाएगा तो वह 1 ओम ये आ गया, और ये पलट जब पलटेंगे तो ये 1 ओम बेटा, ये 1 ओम जो है ये वाला यहाँ आ जाएगा, और जो बेटा ये वाली बीच वाली लाइन है इसी के उस पार जाएगा तो ये बीच वाली लाइन जो है 1 ओम वाला ये हो गया। क्लियर हो गया, ये वाला चित्र आपके समझ में आ गया। हम क्या कर रहे हैं बेटा, ए को इधर ला दिया तो ए को इधर ला दिया, अब ये बिंदु हो गया, इस बिंदु से ऐसे 1 ओम वाला तो ये 1 ओम वाला ऊपर और ये 1 ओम नीचे वाला जो ऐसे बेटा यहाँ से ऐसे जा रहा है उसको हमने ऐसे खींच दिया तो ये वाला 1 ओम यहाँ पर लग गया बेटा, और फिर इस बी को हमने उठाया बेटा ऐसे और यहाँ पर रख दिया, तो जब यहाँ पर ऐसे रख देंगे ऐसे तो ये बीच में हो जाएगा, तो ये बीच वाला 1 ओम ये है और ये जब पलट कर ऐसे गया तो ये 1 ओम यहाँ आ गया और ये वाला 1 ओम यहाँ आ गया और बी जो है ऐसे पलट कर यहाँ चला गया ये बी। अब ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है बेटा, तो अभी व्हीट स्टोन ब्रिज आपको नहीं पढ़ाया गया, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये होता है बेटा पी और ये होता है क्यू और ये होता है आर और ये होता है यस, ये 4 भुजाएं हैं बेटा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज में इस टाइप का जब कनेक्शन कर दिया जाता है तो इसको वैज्ञानिक
व्हीट स्टोन ब्रिज साहब ने किया था, उन्हीं के नाम पर इसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, पुल कहते हैं, सेतु कहते हैं। तो पी और क्यूब में बेटा जो अनुपात है वही अनुपात यदि आर और एस में है तो इसे कहेंगे संतुलन की दशा है, और संतुलन की दशा में इस वाले प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होता। ध्यान से देखें, यदि P बटे Q, यदि बेटा यदि P बटे Q बराबर R बटे S, P क्या है इस प्रतिरोध का मान है, Q क्या है इस प्रतिरोध का मान है, R क्या है इस प्रतिरोध का मान है, S क्या है इस प्रतिरोध का मान है। यदि P बटे Q का मान R बटे S के बराबर हो तो बेटा सेतु संतुलित होता, तो सेतु संतुलन की दशा में होता है, संतुलन की दशा में होता है। अतः बेटा अगर इसे हम लोग नाम दे दें सी और डी नाम दे दें तो सी डी में लगे प्रतिरोध में इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तब बेटा अगर हम सी व डी के बीच लगे प्रतिरोध में धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। अतः उसे गणना में लेंगे नहीं क्योंकि उसमें धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, अतः वह जो है कोई धारा के बहाव में न अवरोध उत्पन्न करेगा, अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करेगा, इसलिए उसे हम इस प्रतिरोध को छोड़ देंगे। अगर P बटे Q बराबर R बटे S होता है तो देखेंगे एक बटे एक बराबर एक बटे एक बेटा सेम है, अतः आप कहेंगे कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज यही, देखिए यहाँ त्रिभुज टाइप का बनाया है लेकिन उसको जब आप ध्यान से समझेंगे बेटा तो वो बन जाएगा ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज, यही आपका चित्र जो है इस टाइप से जब बन जाएगा तब आप इसे आसानी से हल कर देंगे। तब लिखेंगे P बटे Q बराबर R बटे S है, अतः यह संतुलित है और बीच वाले में सी डी वाले में अब धारा नहीं बहेगी, अतः बेटा इधर का प्रतिरोध अब धारा यहाँ से चलेगी। देखिए यदि आई एम्पियर की धारा चलेगी तो कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी, अतः जो इधर जाएगी अब इसमें धारा बहेगी नहीं, अतः ये हो गया श्रेणी क्रम, ऐसे जो ये हो गया श्रेणी क्रम और ये प्रतिरोध और नीचे वाला प्रतिरोध ये अब हो गया आपस में समांतर। तो एक ओम और एक ओम ये श्रेणी क्रम में हो गया बेटा दो ओम, और ऐसे ही एक ओम और एक ओम ये भी हो गया श्रेणी क्रम में दो, और फिर ये दो ओम बेटा आपस में समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। तो हम मिटा देते हैं इधर से और अब आप देखेंगे कि ये कितना हो जाता है, तो ये हो गया बेटा एक ओम और एक ओम, जो धारा यहाँ से जाएगी वहीं इस रास्ते से जब धारा एक ही बहती है तो श्रेणी क्रम होता है एक एक दो ओम और नीचे हो गया एक एक दो ओम, और ये हो गया समांतर क्रम में, तो लिखेंगे एक बटे आर बराबर एक बटे दो प्लस एक बटा दो बेटा बराबर हो गया दो बटा दो बराबर एक ओम, चाहे एक बटा एक कहिए बेटा इसे भिन्न पलट देंगे तो R बराबर ये भी हो जाएगा तो R बराबर एक ओम, तो ये आंसर आ गया बेटा, यही हो गया आपका आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे बेटा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट जो अगला क्वेश्चन आपका है चौथे नंबर का क्वेश्चन, उसे भी आप देख लें ध्यान से, वो भी ऐसे व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा, बस आप केवल ध्यान से देखते रहें। देखें बेटा इस चित्र को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ए से हम चले बेटा ऐसे और ए से इधर की ओर ए और ये, इसकी और इसकी बात करते हैं तो ए से हम चलते हैं बेटा ऐसे, ऐसे ऊपर गए और ये वाला हमने बना दिया एक ओम, देखिए ना
ये वाला, और नीचे वाला ये जो है इसको हमने ऐसे खींच दिया और इसे भी बना दिया एक ओम। ये वाला एक ओम यहाँ लग गया बेटा, और ये वाला एक ओम यहाँ लग गया। अब यहाँ से बेटा ये हम पहुँच गए कहाँ पर बेटा, ऊपर हम ये वाला जाके चाहे यहाँ जोड़िए चाहे यहाँ जोड़िए, तो ये बिंदु हमारा सी हो गया। तो यही बिंदु हमारा सी हो गया बेटा, और सी से फिर बी को जोड़ना है बेटा। तो सी से हम बी को ऐसे जोड़ देते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया बिंदु बी, ये हो गया बिंदु बी बेटा। और फिर बी से हमारा जुड़ा है डी, ये नीचे वाला बिंदु डी हो गया बेटा, बी से हमारा जुड़ गया ऐसे डी। अब यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, वो हो गया एक ओम का बेटा ये, और एक ओम का ये। और देखिए ना सी और डी के बीच में एक प्रतिरोध जो है जुड़ा है एक ओम का, तो सी और डी के बीच में भी हम लोगों ने एक प्रतिरोध बेटा ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया ये हो गया एक ओम। ये हो गया सिरा आपका ए बेटा, और इधर वाला सिरा हो गया बी। क्लियर हो गया, देखिए ए से हम चलेंगे बेटा ऐसे, तो कुछ धारा ए से चलेंगे तो कुछ इधर बहेगी और कुछ इस रास्ते बहेगी। तो कुछ बेटा ए से चले तो कुछ इस रास्ते गई और कुछ इस रास्ते आई। ये वाला प्रतिरोध आपका यहाँ पर लगा है, और ये जो नीचे वाला प्रतिरोध है वो यहाँ लगा हुआ है। फिर ये वाला सिरा जाके सी पर मिल रहा है, तो ये वाला सिरा हमने सी पर मिला दिया। और फिर सी वाला सिरा जाके बी में मिला है, तो हमने सी से जो है बी मिला दिया, और बीच में एक ओम का प्रतिरोध है सी बी के बीच में, तो ये एक ओम का प्रतिरोध सी बी के बीच में एक ओम का ये प्रतिरोध लगा दिया। फिर बेटा बी और डी के बीच में, ये डी है और ये बी है, इसके बीच में देखें एक ओम का प्रतिरोध है, तो फिर बी से हमने भी डी को मिला दिया और एक ओम का ए वाला प्रतिरोध देखें यहाँ पर लगा दिया। फिर जो है सी और डी के बीच में एक है, तो हमने सी से डी को ऐसे मिला दिया, यही ये वाला प्रतिरोध आपका ये वाला हो गया। फिर ये बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज, ये क्या बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। यही हो गया बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज या सेतु। और व्हीट स्टोन ब्रिज में बेटा यदि इसे P कहते हैं बेटा, इसे Q कहते हैं, इस भुजा को R कहते हैं इस रेजिस्टेंस को, और इसे S कहते हैं। यदि आप कहेंगे बेटा P बटे Q बराबर R बटे S हो, तब संतुलन की दशा होती है, ब्रिज संतुलित होता है बेटा, या संतुलन की दशा होती है, और ऐसे में सीडी में धारा का प्रवाह नहीं होता है, अतः गणना में उस प्रतिरोध को छोड़ देते हैं। अब इस तरह से बेटा यहां से ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया, तो एक एक दो ओम हो गया, और नीचे भी एक ओम बेटा दो ओम हो गया। फिर वही ये दोनों आपस में, ये दो ओम और ये दो ओम फिर समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, तो वहीं फिर लिख देंगे एक बटे आर बराबर एक बटे दो धन एक बटे दो, आधा आधा मिलकर बराबर एक हो जाता है बेटा, अतः आर बराबर एक ओम आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आज इतना ही, अब हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन शेष कल। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज यहीं समाप्त।